हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लाई हूँ मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही टेस्टी बेसन और मावा की बर्फी, जो बनाने में बहुत आसान है। परफेक्ट मेजरमेंट लीजिए, आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम रखेंगे कढ़ाई गैस पे गर्म होने के लिए। उसमें मैंने लिया है 1/2 कप घी, आप घर का भी घी ले सकते हैं, मार्केट का भी घी ले सकते हैं। और मैंने कप का जो मेजरमेंट है वो 240 ml का कप है, तो 1/2 कप हुआ 120 ml। तो कढ़ाई मेरी थोड़ी सी गर्म थी, आप देख सकते हैं घी इसमें जाते अच्छे से पिघल गया है। गैस की फ्लेम जो है वो मैंने लो टू मीडियम के बीच में रखा है, और अब घी जो है हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है। इसमें अब मैं डालूंगी 1 कप बेसन, और ग्राम में ये बेसन है 110 ग्राम। इसको इस तरीके से अब हम मिलाते हुए इसको भूनेंगे। जितना हमें घी लेना है उसका डबल हमें बेसन लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम ज़्यादा घी ले लेंगे सोचेंगे कि हमें ज़्यादा घी का अच्छा टेस्ट आएगा, मिठाई ज़्यादा अच्छी बनेगी, तो ऐसा नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा गीला और आपका बेसन जल्दी जला देगा, इसलिए मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही लेना। और अगर आप कम घी लेंगे या बाद में घी ऐड करेंगे तो वो बेसन जो है वो अच्छे से भुनेगा नहीं, आपस में चिपकता रहेगा, कढ़ाई में भी चिपकेगा और थोड़ा दरदरा सूखा सा रहेगा। तो यहाँ पे आप घी जब अच्छे से गर्म हो चुका है तो गैस की फ्लेम को लो पे रखें, और थोड़ा सा टाइम लेगा पर धीरे धीरे इसको इस तरीके से मिलाते हुए भूनेंगे हम। यहाँ पे आप देखिए घी जब भुनेगा तो आपको उसकी खुशबू आने लग जाएगी, और यही अगर हमने घी थोड़ा सा कम रखा होता तो बेसन भुनने में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता। यहाँ पे मेरे को 3 से 4 मिनट हो चुके हैं पर मैं इसको थोड़ी देर और भूनूंगी। तो यहाँ पे 5 मिनट बेसन को अच्छे से भून ले, इसका कलर भी हल्का सा डार्क होने लगा है, तो उसको हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है और बेसन को कच्चा भी नहीं रखना है। इसमें अब हमें करना है ये थोड़ा सा पानी इस तरीके से लेंगे आप अपने हाथ में, और इसका छींटा इस तरीके से देंगे। इससे हमारा जो बेसन है वो थोड़ा सा दानेदार हो जाएगा। गैस की फ्लेम अभी मैंने 5 मिनट बाद इसको लो टू मीडियम रख दी है। इसको इस तरीके से मिलाते रहें। तो इसको 3 से 4 मिनट मैंने और पका लिया है, और अब हमारा जो बेसन है वो अच्छे से भुन चुका है, कच्चेपन की जो इसमें स्मेल है वो भी जा चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम करेंगे बंद, और इसको हम कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे वरना हमारा जो बेसन है वो ठंडा होते होते तक बहुत ही डार्क ब्राउन हो जाएगा, और यूँ कह लीजिए कि वो जल जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे कि ऐसे बर्तन में, आप बड़ी प्लेट ले सकते हैं, थाली, या फिर कुछ ऐसा कटोरा जैसा बड़ा जिसमें आप बाकी इंग्रीडियंट बाद में मिला सकें। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कटोरे में बेसन निकाला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये। अगर आप किसी स्टील की बर्तन में निकालेंगे तो थोड़ा ध्यान से पकड़िएगा। इसको मैं रखूँगी फ़ैन के नीचे ठंडा होने के लिए, थोड़ा सा वॉर्म रहे ये, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो जाए कि हम अगर इसमें कुछ डालें तो कुछ मिक्स ना हो। तो आप इसको थोड़ी देर में टच करके देखिए कि आपकी ये टच करने लायक गर्म है या नहीं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या मिलाना है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसन है वो हल्का सा गर्म अभी बाकी है, पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। इसमें मैं मिलाने वाली हूँ 240 ग्राम खोया, ये घर का बनाया हुआ खोया है। अगर आप मार्केट से रेडीमेड खोया लेके आते हैं तो आप उसको थोड़ा सा गैस पे 5 मिनट भून लें और उसके बाद इसमें मिक्स करें। इसमें साथ ही मैं डालने वाली हूँ 2 टेबलस्पून डेडिकेटेड कोकोनट,
हरी इलायची, जो छोटी वाली इलायची होती है उसको मैंने बारीक कूट लिया था, साथ ही ये भुने हुए मगज के बीज, इसको भून लें, बिना भुने इसको मिक्स ना करें। और इसमें अब मैं मिलाने वाली हूँ आधा कप पिसी हुई चीनी, मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यही चीज़ अगर हमने थोड़े ज़्यादा गर्म जब था हमारा बेसन उस टाइम किया होता तो बेसन वैसे ही थोड़े लिक्विड कंसिस्टेंसी में था उस टाइम, और खोया और चीनी जब उसमें पड़ता तो वो और ज़्यादा मेल्टेड हो जाता। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, तैयार होने के बाद इसका कलर अच्छा वाला ब्राउन आ गया है। यहाँ मैंने लिया है 7x7 इंच का टिन, आप चाहे तो कोई प्लेट भी ले सकते हैं। इसको मैंने घी से ग्रीस कर दिया है और हमारा ये मिठाई वाला जो अब ये बैटर है इसको हम डालेंगे इस टिन में। और इसको हर तरफ से बराबर फैला लें। इसके ऊपर बचे हुए जो हमारे मगज के बीज थे थोड़े से वो डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे पिस्ता के स्लाइसेस डाल रही हूँ। हालांकि इससे आपके मिठाई के टेस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी, ये सिर्फ एज ए डेकोरेशन होता है। आप चाहें तो डालें और चाहें तो ना डालें। और इसको भी इस तरीके से हल्का प्रेस कर दें ताकि ये हमारी मिठाई के साथ ही सेट हो जाए, वरना ये अगर ऊपर ऊपर रहेगा तो हो सकता है ठंडा होने के बाद जब हम पीस कट करें तो वो अलग निकल जाए। अब इसको मैं रखूंगी रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए कम से कम 2 घंटे के लिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसने कितना टाइम लिया। तो यहाँ पे 3 घंटे में हमारी जो मिठाई है वो अच्छे से सेट हो गई है। सबसे पहले हम इसकी साइड्स छुड़ाएंगे चाकू से। तो अगर आप इसको इस तरीके से पलट के देख लें, अगर वो पलट के निकल रहा है तो उसको टैप करें थोड़ा सा, और ये जो मिठाई है वो थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी हमने जमाई थी तो हो सकता है कि वो इस तरीके से ना निकले, तो टेंशन ना ले, उसको सीधा करें और उसके आप पीसेस इस तरीके से कट करें, आप जिस शेप में चाहते हैं, स्क्वायर में या फिर डायमंड शेप में, इस तरीके से भी इसको आप कट करके निकालेंगे तो ये मिठाई बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। आप अपने पसंद के अनुसार छोटे या बड़े साइज भी इसका कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये मिठाई सेट हुई है और बहुत ही दानेदार भी है और मुंह में अच्छे से घुल जाने वाली भी है। तो अगर आपके इसका शेप में अगर लगता है कि बिगड़ गया है तो आपको साइड से उंगली से प्रेस करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप नीचे चाकू या कोई पतली चीज़ ऐसे डालें और ये मिठाई बहुत आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि हमने इसे नीचे से भी घी से ग्रीस किया हुआ था। इसलिए जब भी आप मिठाई किसी प्लेट या टिन में सेट होने डालें तो उसको घी से ज़रूर ग्रीस करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें किसी भी फेस्टिवल पे या फिर घर में कोई मेहमान आ रहा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।